किसी को भी आईएएस बनना है पहले अटेम्प्ट में, बस मेरी एक बात मान लो, उससे ज्यादा कुछ मत करो, तुम गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गारंटी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जान पाओगे आखिर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम होता क्या है, इसकी डिटेल क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, यह एक भारत की केंद्रीय एजेंसी है जो कई सारी परीक्षाओं को आयोजित करती है। इस यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से IAS, IPS, IFS और कई अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और ये परीक्षाएं देश के शासन और प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और साथ में आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस यूपीएससी एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इस एग्जाम की पहली स्टेज यूपीएससी प्रीलिम्स होती है। इसमें कैंडिडेट को 2 एग्जाम देने होते हैं, पहला GS का और दूसरा CSET का। इसमें GS एक कट ऑफ बेस्ड एग्जाम है, कैंडिडेट को कट ऑफ क्लियर करनी होती है और इसमें CSET क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें कैंडिडेट को 33% मार्क लाना कंपलसरी होता है। और अब बात कर लेते हैं एग्जाम के दूसरे स्टेज की। इसमें आपको यूपीएससी मेंस का एग्जाम देना पड़ता है और यूपीएससी मेंस में आपको 9 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। इसमें शुरुआत के 2 पेपर लैंग्वेज बेस्ड पेपर होते हैं, पहला इंग्लिश और दूसरा हिंदी। आप हिंदी की जगह कोई और लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2। फिर इसके बाद होता है 5 GS बेस्ड पेपर। इन 5 पेपरों में सबसे पहले होता है SA, फिर GS1, GS2, GS3, GS4। GS में जनरली सब्जेक्ट पूछे जाते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और GS4 एथिक बेस्ड पेपर होता है। और फिर इन सारे पेपर को क्लियर करने के बाद आप फाइनली जाते हो इंटरव्यू में, और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हो। फिर जाना होता है आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।